वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संस्कार एंड यू आर वॉचिंग HD व्लॉग्स। आज मैं जाने वाला हूँ अपने फ्रेंड के घर पे, क्योंकि वो भी चालू करने वाला है चैनल। अभी तक आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तब तक उसका वो वीडियो भी अपलोड हो चुका होगा, लेकिन मैं आपको तो भी बता दे रहा हूँ। आपको याद होगा लोकेश अग्रवाल मेरा फ्रेंड है, जो ऑनलाइन क्लास वाली वीडियो में उसका पहला फीचरिंग था। सो अब वो अपना चैनल फाइनली स्टार्ट कर रहा है। ब्रो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल। अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो आई एम श्योर वो देखेगा ही देखेगा ये वाला वीडियो। सो आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं उसके कुछ बिहाइंड द सीन्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पहले वीडियो देखो, उसके बाद ये वाले वीडियो को देख लेना। आई बटन में है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो जाओ पहले वो देख लो, फिर अपन इधर आके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो अभी चलता हूँ मैं लोकेश के घर में, टी शर्ट वगैरह चेंज करता हूँ, उसके बाद सीधा लोकेश के घर पे आपसे बात करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को जाना है थोड़ा काम से। मिलता हूँ सीधा लोकेश के घर पे। सो मैं फाइनली आ चुका हूँ लोकी के घर पे और आज अपना शूट है। लोकी, तेरा पहला यूट्यूब रहेगा वीडियो, कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तू भी तेरे चैनल पे जाएगा तो कैसा लगेगा? अरे एक नंबर है, सपना पूरा हो जाएगा, तू हेल्प कर रहा है। अरे थैंक्स अ लॉट भाई, तो अपन तो तेरी मदद करेंगे एनी टाइम कभी भी। बाकी अब मेरे को ये पता कि अपना टॉपिक क्या है। आपने वीडियो तो देख लिया है लेकिन तो भी टॉपिक एक बार बता दे। अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्रदर्स, और पहला जो हम लोग अभी शूट कर रहे हैं वही वो टॉपिक है, अपने भाई को डराना कैसे अलग अलग चीजों में। तो अभी हम लोग वो शूट कर रहे हैं, आप वीडियो देखना उसके बाद बताना कैसे। हाँ, अभी तक अगर नहीं देखा है वीडियो आई बटन में पहले वो देखो फिर BTS देखना। अभी दिख रहा नहीं? ये वाला सीक्वेंस जो आपने देखा था वो अब अपन शूट कर रहे हैं। लोकी आने वाले फ्रेम के अंदर, इधर से अपन व्लॉग कर रहे हैं। रे मामा, चलो अभी अपन ये सीक्वेंस को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि परफेक्ट मैच हो रहा है कि नहीं। देखो सर का फोड़ूंगा। हाँ, वो सर तू पीछे जाके फोड़ेगा, दिख रहा ना फ्रेम में? पूरा दिख रहा है, देख तू। तो ये वाले में भी फोड़ेगा ना तो भी दिखेगा? नहीं, यहाँ से तू जा नहीं पाएगा। सो मैं आया था 3 बजे लोकी, और अभी बज रहे 6 शाम के। सो यानी समझो इतने देर में हमने पूरा वीडियो रैप अप कर लिया। कैसा लग रहा है देखो? बहुत अच्छा लग रहा। शूट भी हो गया अच्छे से, एडिट भी हो गया, अब बस एक्सपोर्टिंग चल रहा है, बस बाकी सब कुछ हो गया यार। BTS में ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाए क्योंकि अपन शूट में ज्यादा बिजी थे, तो इसके कारण अपन नहीं दिखाए, क्योंकि सीरियसनेस दिखाना पड़ता है काम में। BTS ज्यादा मायने नहीं रखता, ओरिजिनल प्रोडक्ट मायने रखता है। तो भाई देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, 1000 बार नहीं बताऊंगा, आई बटन में भी आ चुका है 2-3 बार, तो देख लो यार। और अब बता भाई क्या करना है, कैसा लग रहा है तेरे को यूट्यूब पे आने के बाद? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, थैंक यू मेरे। अरे वेलकम वेलकम, कोई नहीं कोई नहीं, जो हुआ है इसने मेरी बहुत मदद की, ये नहीं होता तो आज कुछ नहीं होता। अरे ऐसा नहीं है, लेकिन हो जाता। बोल रहा मैं कुछ वीडियो में नहीं बोल रहा, नहीं नहीं ऐसा भाई। अब चल भाई, थैंक्स अ लॉट भाई, तूने ये जो हो रहा है ना ये इसकी वजह से हो रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब मेरे को ये बता कि तू एडिटिंग सब कुछ कब सीख रहा है पूरा? एक हफ्ते के अंदर। बिल्कुल, उसके बाद लोकी जितने भी वीडियोस लाएगा वो सब वो खुद ही एडिट करेगा, सब पूरा खुद से करेगा। तो लोकी भाई ऑल द बेस्ट, तू यूट्यूब पे आ गया अभी फाइनली। अब भाई जाओ यार, इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, नागपुर का ही बंदा है। इसके वीडियो में भी एंड में इसने जो बोला है उसके साथ भी मैंने कुछ बोला है, वो भी ध्यान से सुन लेना। सो अभी मैं चलता हूँ घर पे यार, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। लोकी अभी चाय वाय पिलाने वाला है। सो आंटी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स फॉर चाय। तो अब चलो सीधा घर पे मिलता हूँ। सो कल लोकी के पास से शूट करने के बाद आज सीधा सुबह आ गया उज्जवल उठाने। यार मेरे को ये बता, तू इस लोकेशन के लिए क्या बोल रहा था अभी? आई लव माई नागपुर। ये सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए बोल रहा है कैमरे पे, असल में बोला था इसने कि भाई ये एक ऐसी लोकेशन है इतनी अच्छी, तो पर ये भी अब गई यार। देखो पहले वाटरफॉल वगैरह भी आता था यहाँ पे, देखो अब कुछ नहीं आता। ये इतना सा, इसको वाटरफॉल बोलते हैं यार? नहीं, मजाक हो रहा है उज्जवल, बता भाई। ओ भाई यहाँ
उज्ज्वल आता है तो बीप अनिवार्य है, तो अभी अपन चलते हैं सीधा ऊपर। बोलता मैंने बोला नहीं, साले ने सब कुछ बोल दिया इशारों में। सब चलते हैं ऊपर। और ऊपर क्या है गावंडे, तू गया है कि कभी? मैं क्योंकि आज तक नहीं गया। उज्ज्वल तू गया है क्या कभी ऊपर? यस। क्या है ऊपर? क्या है, क्या है उज्ज्वल वहाँ पे? मंदिर। कौन सा? सभी मंदिर है, मस्जिद भी है, सब कुछ है। कहाँ पे असल में? रिलेशनशिप वो है। ऐसा उज्ज्वल का कहना है भाई, वो सपने में आया था मेरे। न जाने इसके सपने में क्या क्या आ जाता है। इधर इतनी अच्छी खासी हरियाली है यार, लेकिन देखो न जाने लोग क्या क्या कर लेते हैं यहाँ पे आके। लेट्स नॉट प्रमोट दिस। और हमारे साथ है यश गावंडे। आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? रिटेक। सो हम लोग अंबाझरी आ गए थे और अंबाझरी में कुछ नहीं मिला, थोड़ा बहुत वॉक कर लिए बस। अभी चलते कहीं देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। अभी जहाँ तक के धर्मपेट के आसपास जाने का प्लान बन रहा है, तो सीधा चलते हैं वहीं पे अब। सो हम लोग यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं भाई, कुछ खा नहीं रहे इधर अपन, कहीं और देखते हैं खाने का सिस्टम। विनय असुदानी इज माय बिगेस्ट फैन। ये आ गया पीछे से डाटा भाई। और कैसे हो सर? बहुत अच्छा हूँ भाई। बताओ यार, तुम बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता होगा बंदे के फैन फॉलोइंग। देखो तो बता भाई, तेरा पेज के बारे में बता। बताने की खैर जरूरत नहीं है, सब इसको जानते हैं भाई। नागपुर में काफी ज्यादा फेमस है ये, तो जिनको नहीं पता जाके फॉलो कर लो इसका। सो वीनू भैया हमको मिल गए शंकर नगर पे। तो भैया आपको मैंने जो स्वाद आगे डायलॉग यूज किया, कॉपीराइट क्लेम तो नहीं मारोगे ना? बिल्कुल नहीं, पक्का ना? यूज करो, अच्छा लग रहा तुम यूज कर रहे हो। आपको कैसा लगा वीडियो? देखे आपने? देखा नहीं, बट एनीवे ने बताया मेरे को, एकदम अच्छा तोड़ बनाया तुमने और अच्छा खासा यूज कर रहे हो मेरे डायलॉग का। स्वाद आ गया, एक बार आप बोलो, मेरे से तो कुछ होगा नहीं, आप बोलो। खाया नहीं, पिया नहीं, स्वाद कैसे है? चाय तो पिए आप अभी भैया, बता दो स्वाद आ गया। स्वाद आ गया भाई लोग, यहाँ देखिए शंकर नगर स्क्वायर पे। चलो ठीक है ना भैया, मिलता हूँ मैं, आता हूँ कल स्टोर पे। ठीक है, आओ मिलो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बाय बाय। बाय भैया। और शांतनु सर भी हमको मिल गए, जो हमको मिले थे हैप्पी स्ट्रीट में। सो सर कैसे हो, इतने समय बाद मिल रहे हो? सो सर कैसे, हम बताओ, इतने समय बाद मिल रहे हो तो? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और बंदा अपना अच्छा कर रहा है। प्लीज और सब्सक्राइबर्स उसके बढ़ाओ। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स। चलो सर मिलता हूँ जल्दी अभी। आज पता नहीं उज्ज्वल और यश को क्या पता नहीं चढ़ गई है, ये पीछे छुप रहा है इधर। उज्ज्वल देखो क्या चढ़ी, एक बार उस स्टाइल में बोल के तो पता कैसा बोल रहा है तू आज। मैं क्या बोलूं ब्रो, जो बताना। क्रिंज क्यों बने जा रहा है यार तू, थोड़ा अच्छे से बोल यार। क्रिंज नहीं बनते ब्रो। कैसे करेंगे ब्रो, ऐसा कैसे चलेगा ब्रो? सब चलेगा रे, दौड़ेगा रे। चुप रहो ब्रो। एडिडास की साइकिल देखा क्या? Yeah, it was very good. It was perfect. I'm coming to the side and coming with my dreams and my motherfucking moon. ये देख रहे हैं ने सेंटर फूड ऐसी जीप लप लप आई कि कुछ समझ में नहीं आया किसी को। चलो इसकी जीप क्यों लप लप आ रही है मेरे को पता है, हम दाल पकवान खाने हैं जैसे इसने बता दिया आपको। अभी अपन खाते हैं दाल पकवान और आपको भी बताता हूँ कैसा है डिश में। फूड में आ रहा हूँ धीरे धीरे यार, अभी समझ रहे हो ना, नागपुर के सबसे बेस्ट दाल पकवान है। तो आपको उनका एड्रेस वगैरह भी दे दूंगा, चलता हूँ वहाँ पे, फिर जाके बात करो ब्रो, जल्दी भूख लगी यार। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ दाल पकवान खाने पर, लेकिन मैं दाल पकवान नहीं खा रहा हूँ, मैं सिंधी हूँ तो मैं काफी बार दाल पकवान खा चुका हूँ। सो यश और उज्ज्वल टेस्ट करेंगे दाल पकवान। और मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना ब्रो, लाइक करी देना, शेयर करती हूं, वेरी गुड। समझ गए ना क्या बोल रहा है ये, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अपन खाएंगे पुआ, मास्क उतार लेता हूं। छोले को सब मैं इसको टेस्ट करके बताता हूं कैसा है। यम्मी ब्रो, यम्मी यम्मी, जोरदार स्वाद आ गया। चबा तो ले ब्रो, गरम है, स्वाद आ गया एकदम। ये दोनों बस मेरी शक्ल देखने वाले, ये और ये, जब इनका दाल पकौड़ा आएगा तब मैं इनकी शक्ल देखते रह जाऊंगा। सो उज्ज्वल और यश खा रहे एकदम सिंधी डिश फेवरेट, पूड़ी और सीरा दाल के साथ। सो तुम लोग को कैसा लग रहा है ये बताओ? गुरु 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 गुरु
पता नहीं इनको क्या हो गया आज एकदम ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग जल्दी ब्रो दूसरे पर चल गया ब्रो दूसरे पर चल गया। सो उज्जवल और यश का आ गया दाल पकवान, तो तुम लोग को कैसा लग रहा है टेस्ट में ये बता। उज्जवल तू बता पहले। स्पीचलेस। और यश देखो कैसा लग रहा है। गरम है टेस्ट करने का है ब्रो। आधा खा गए ब्रो। आधा खा गए ब्रो। टेस्ट करने का है। अभी वो आधा ही आया था वो मुड़ा हुआ मेरे को। मुड़ा हुआ है उसको पता ना कैसा है। अच्छा टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है। आओगे अगली बार फॉर श्योर ब्रो। आपने हमको पहले दिया है टेस्टी बोलने का। सो आज का डे काफी अच्छा हो गया अपना। सो उज्जवल मजा आया कि नहीं? पूरा सुबह से घूम रहे अपन तो। आपको क्या लगता है ब्रो? मास्क ऊपर करके बात करते हैं ब्रो। ₹100 काटो। सो कैसा लगा तुम दोनों को दिन कैसा था और दाल पकवान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? दाल पकवान अच्छा था यार। तुमने वो डायलॉग दिया सीरा भी अच्छी थी और ऑसम। जितना भी खाया इनको काफी कुछ अच्छा लगा। सो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और अगला व्लॉग भी मैं आज शाम से स्टार्ट कर दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ऐसे मत जाइएगा। मानजी अगली वीडियो तक मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।